मार्शमेलोस, मेरे साथ हर वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक और हार्ट टचिंग स्टोरी को, जिसका नाम है 20th Century Girl। दोस्तों, इस मूवी के लास्ट सीन में जो ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, इस मूवी के फर्स्ट सीन में साउथ कोरिया में स्नोफॉल हो रही होती है और मूवी की मेन लीड बोरा कैडेट स्टोर के बाहर इकट्ठी स्नो को हटा रहे होते हैं। इसी बीच एक डिलीवरी मैन वहाँ पहुँच कर बोरा के नाम का एक पार्सल उसके डैड को देता है। वो पार्सल विदेश से आया था, इसलिए उसके डैड उस पार्सल को खोल कर देखते हैं तो उसमें उन्हें एक बॉल फिल्म की कैसेट और एक फोटो दिखती है। दूसरी तरफ एक म्यूजिक स्टूडियो को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी ब्यूटीफुल हीरोइन बोरा अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रही होती है। दोस्तों, बोरा के फैंस उसकी आवाज के दीवाने थे। जब वो बीच में ब्रेक लेकर अपने डैड से फोन पे बात करती है तो बोरा को उसके डैड का फोन आता है, जो कि काफी गुस्से में लग रहे थे। वो बोरा को उस पार्सल में मिली कैसेट की फोटो सेंड करके उसे बताते हैं कि कुछ देर पहले मुझे तुम्हारे लिए किसी जोसेफ नाम के लड़के का पार्सल मिला, जिसमें एक एडल्ट मूवी की कैसेट पड़ी थी। क्या तुम मुझे बिना बताए ही किसी खराब लड़के से बात करती हो? मगर बोरा उन्हें बताती है कि डैड, ऐसी कोई बात नहीं है और आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इसके बाद वो उस कैसेट को देखकर स्माइल करने लगती है। दोस्तों, बोरा को ये 1999 के दिनों की याद आती है और इसके बाद ये स्टोरी फ्लैशबैक में चलनी शुरू होती है। इस सीन में बोरा अपनी बेस्ट फ्रेंड ह्यूना से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ ह्यूना अपने बेड के ऊपर पड़ी हुई होती है। उसे इस तरह देखकर बोरा को उसकी चिंता होने लगती है, क्योंकि उसकी दोस्त ह्यूना एक हार्ट पेशेंट थी। ह्यूना उसे बताती है कि मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। वैसे तो उसे अपने हार्ट की सर्जरी कराने के लिए न्यूयॉर्क जाना था, मगर वो तो घर पे लेटी हुई थी। इसलिए बोरा उसे पूछती है कि तुम्हें तो तुम्हारे हार्ट की सर्जरी के लिए अब तक चले जाना चाहिए था, फिर तुम अभी तक गई क्यों नहीं? जवाब में ह्यूना कहती है कि मेरा हार्ट तो अब मेरा है ही नहीं, उसे तो किसी और ने मुझसे चुरा लिया। फिर हम देखते हैं कि सुबह सुबह जब ह्यूना अपनी मॉम की कपड़ों की दुकान में थी तो कोई लड़का वहाँ अपना नाप देने के लिए आया था। जब वो लड़का ह्यूना से टकराया तो उसे उसका चेहरा तो नहीं दिखाई दिया, मगर उसकी स्कूल यूनिफॉर्म पे उसका नाम मिन्हो लिखा हुआ दिखता है। उस वक्त ह्यूना की मॉम शॉप में नहीं थी, इसलिए वो खुद ही उसका नाप लेने का सामान ढूंढने लगती है, मगर अचानक उसकी उंगली में चोट लग जाती है। मिन्हो यहाँ उसकी मदद करता है। ह्यूना अपनी दोस्त बोरा को बताती है कि उस लड़के ने मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी, इसलिए वो अमेरिका जाने से पहले मिन्हो को डेट करके उसके साथ फ्रेंडशिप में आना चाहती है। और अब यही सब सोच कर उसकी हार्ट बीट कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। उसकी हेल्प करने के लिए बोरा को आइडिया आता है और वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए एक ईमेल आईडी बना रही हूँ, ताकि तुम्हें अमेरिका में होते हुए भी मिन्हो के बारे में सारी जानकारी मुझसे बात करके मिलता रहे। मैं रोज मिन्हो की जो भी डिटेल्स मुझे मिले, मैं उन्हें तुम तक पहुँचा दूंगी। उसकी बात मानकर ह्यूना अपनी सर्जरी के लिए अमेरिका शिफ्ट हो जाती है और दूसरी तरफ बोरा भी ह्यूना के स्कूल में एडमिशन ले लेती है, मगर अपने स्कूल के लिए बस भी उसे बड़ी मुश्किल से मिलती है। दोस्तों, जिस बस में बोरा चढ़ी थी उसमें उसके स्कूल के कुछ और स्टूडेंट्स भी थे। फिर अचानक बस को धक्का लगने के कारण बोरा जाकर एक लड़के की गोद में बैठ जाती है। इसके बाद वो लड़का अपनी सीट बोरा को दे देता है और जैसे ही वो लड़का बोरा के साइड में खड़ा होता है तो बोरा को उसका नाम पढ़कर पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि खुद मिन्हो ही था, जिसके बारे में ह्यूना ने बोरा को बताया था। दोस्तों, इसी पल के बाद से बोरा मिन्हो को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करती है और उसे मिन्हो के बारे में जो कुछ भी पता चलता है वो सीधा ह्यूना को मेल करके बताती है। दोस्तों, बोरा की फ्रेंड ह्यूना ने उसे मिन्हो का एड्रेस, उसकी हाइट, उसके फ्रेंड्स और कई सारी चीजों की जानकारी निकालने के लिए कहा था। बोरा लंच के टाइम में भी खिड़की के पास बैठे मिन्हो को ही ऑब्जर्व कर रही होती है और उसकी
जाने के बाद वो अपनी मेजर टेप की मदद से उसकी हाइट का पता लगाती है, उसके जूते का साइज और उसका फेवरेट स्पोर्ट्स भी पता लगा लेती है। और तो और बोरा को इस बात का भी पता चल गया था कि मिनहो सिंगल था और उसका बस एक ही दोस्त था जिसका नाम था सुहो। इतनी सारी जानकारी मिलने के बाद भी यूना बोरा से मिनहो की और जानकारी निकालने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिसके कारण बोरा उसे मना नहीं कर पाती है। वो अगले दिन जब मिनहो को देख रही होती है तभी अचानक मिनहो के पैर पे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से सुहो और मिनहो दोनों मेडिकल रूम की तरफ जाते हैं। बोरा भी क्लास के बीच अपनी एक्टिंग की कमाल दिखाती है और पैर दर्द का बहाना बनाकर खुद भी मेडिकल रूम की तरफ जाती है और उन दोनों को बात करते हुए सुन लेती है। दोस्तों, यहाँ सुहो और मिनहो ब्रॉडकास्टिंग क्लब को ज्वाइन करने की बात कर रहे थे, मगर उनको क्लब ज्वाइन करने के लिए एक जोशीली आवाज की जरूरत थी। बोरा उस क्लब को ज्वाइन करने के लिए ऑडिशन के दौरान सबको अपनी टाइकोंडो मूव सिखाकर हैरान कर देती है और उसे देखकर साफ दिख रहा था कि वो इस क्लब को किसी भी हालत में ज्वाइन करना चाहती थी। आखिर में सुहो को तो पहले ही क्लब में जगह मिल गई थी, मगर बोरा और मिनहो में से सिर्फ एक स्टूडेंट की ही जगह बची थी। इसलिए बोरा के एक्साइटमेंट और एफर्ट्स को देखने के बाद मिनहो खुद अपना नाम वापस ले लेता है। इसका मतलब ये था कि सुहो और बोरा अब एक ही क्लब के मेंबर्स बन गए थे। इसलिए बोरा मिनहो के बारे में जानकारी निकालने के लिए सुहो से दोस्ती करने की कोशिश करती है, मगर यहाँ तो सुहो उससे दोस्ती करना तो क्या, बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं था। अगली सीन में रात के वक्त बोरा फोन बूथ से मिनहो का नंबर डायल करने की कोशिश करती है, मगर उसे उसके फोन नंबर के दो डिजिट नहीं पता थे। मगर इसके बाद भी वो कुछ नंबर्स पे कॉल करती है और कुछ रॉन्ग नंबर्स डायल करने के बाद फाइनली मिनहो का नंबर डायल करती है और सर्वे कॉल का बहाना बनाकर उसकी डिटेल्स मांगने लगती है, जैसे कि उसका फेवरेट सॉन्ग और उसका पेपर नंबर भी पूछती है। लेकिन दोस्तों, फोन उठाने वाला लड़का मिनहो नहीं बल्कि सुहो था, जो कि बोरा की आवाज सुनकर उसे पहचान लेता है। अगले दिन बोरा सुहो को देखकर एम्ब्रेसिंग फील कर रही होती है और उसे अवॉइड कर रही होती है, पर सुहो एकदम से उसके सामने बैठकर उससे पूछ ही डालता है कि तुमने कल मिनहो को कॉल क्यों किया था और तुम उसके डिटेल्स क्यों पूछ रही थी। जिसके जवाब में बोरा उसे बताती है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, और तुमने मिनहो बनकर बात क्यों की। सुहो बताता है कि तुमने मुझे अपना नाम बताने का मौका दिया होता तो मैं जरूर बताता। यहाँ इनके बीच एक डील होती है जिसमें सुहो उसे मिनहो का नंबर देने की बात कहकर उसके बदले में उसे अपनी मॉम के फिल्म स्टोर से एडल्ट कैसेट लाने के लिए कहता है। दोस्तों, दरअसल बोरा की मॉम एक मूवी स्टोर की ओनर थी। डील के हिसाब से बोरा चुपके से बहुत सारी कैसेट में से एक कैसेट अपनी बैग के अंदर डालकर स्कूल ले आती है, मगर इसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि ठीक उसी दिन उनके टीचर सभी स्टूडेंट्स के बैग्स की चेकिंग करने लगते हैं और उन्हें बोरा के बैग से वो कैसेट मिलती है, तो वो उसे इसके लिए पनिशमेंट देते हैं। कुछ देर बाद सुहो उसके हाथ से वो एडल्ट कैसेट निकालकर अपने साथ ले जाता है। सुहो की इस हरकत की वजह से बोरा को उस पे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसका यह गुस्सा मिनहो का नंबर मिलते ही शांत हो जाता है। इसके बाद वो मिनहो का नंबर यूना को दे देती है। दोस्तों, बोरा की इस मदद के चलते यूना यंजू बन के मिनहो के साथ फोन पे बातें करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सुहो और बोरा को क्लब एक्टिविटी के लिए स्कूल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करनी थी। इसके लिए सुहो बोरा को कैमरा फिक्स करना और अलग अलग मॉडल्स पे शूट करना ये सब सिखा रहा होता है, मगर इन सब में वो बोरा के इतना करीब आ जाता है कि अचानक बोरा की हार्ट बीट तेज हो जाती है। फिर बोरा सुहो को खुद से दूर करके कहती है कि मुझसे इतना पास खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसके बाद सुहो उसे अच्छे से शूट करने की बात कहकर खेलने चला जाता है, मगर दूसरी तरफ बोरा पूरे टाइम सिर्फ मिनहो को ही कैमरा में शूट करती रहती है। दोस्तों, इसके अगले दिन जब बोरा अपने दोस्तों के साथ गेमिंग हब में गई होती है
तो वहाँ हब के बाहर कुछ बुली मिन्हो और सूहो से लड़ रहे होते हैं। और जैसे ही बोरा उन्हें देखती है तो वो अपनी टाइकोंडो के कुछ मूव्स की मदद से इन दोनों को उनसे बचा लेती है, मगर वो सभी बुली उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए ये तीनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। कुछ देर बाद जब ये तीनों किसी जगह पे साथ में बैठे होते हैं तो मिन्हो को बोरा के पैर पे लगी चोट नजर आती है। इसके बाद सूहो और मिन्हो बोरा के साथ हॉस्पिटल जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। दोस्तों, यहाँ मिन्हो ये बात सोचने में लगा था कि बोरा ने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की। अगले दिन मिन्हो बाइक पे बोरा को अपने साथ एक जगह पे ले जाता है और वहाँ वो बोरा को बताता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, मैंने तुम्हें कई बार मेरे आसपास नोटिस किया है। मगर बोरा उसकी इस बात से साफ इनकार कर देती है और वापस चलने को कहती है। दोस्तों, शाम के वक्त जब बोरा के पेट से चूहे कूदने की आवाज आ रही होती है तो मिन्हो उसे अपने साथ रेस्टोरेंट में ले जाता है। जिस रेस्टोरेंट में ये दोनों आए थे वहीं पे सूहो भी पार्ट टाइम जॉब करता था। वो उन्हें एक साथ टेबल पे देख लेता है। डिनर करते वक्त मिन्हो बोरा को कहता है, मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है। मगर उसके ऐसा कहते ही बोरा पूरी तरह शॉक हो जाती है। वो अपनी बालों को खराब करने लगती है और कहती है कि मैं बहुत गंदी लड़की हूँ। मगर अब मिन्हो उसकी बात समझने को तैयार नहीं होता है तो वो खुद ही हड़बड़ी में उठकर वहाँ से चली जाती है। इसी जल्दी में वो अपनी सपोर्टिंग स्टिक्स भी लेना भूल जाती है और बिना उनके तेज चलने की वजह से बोरा के पैरों की पट्टी खुल जाती है और उसके पैरों में दर्द होने लगता है, इसलिए वो वही साइड में बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद सूहो उसकी स्टिक्स लेकर उसके पास आता है और उसकी पट्टी ठीक से बांधने लगता है। वो बोरा को कहता है कि पहले मुझे लगता था कि तुम मिन्हो से प्यार करती हो, मगर जब तुमने उसे साफ शब्दों में रिजेक्ट किया तब जाके मुझे समझ आया। बोरा को सूहो का ये जेस्चर बहुत अच्छा लगता है। वो उसे बता ही देती है कि वो मिन्हो को उसके दोस्त के वजह से ऑब्जर्व कर रही थी, वरना उसे मिन्हो में कोई इंटरेस्ट नहीं था बल्कि उसे सूहो से प्यार होने लगा था। जैसा यूना को मिन्हो के लिए फील होता था, कुछ वैसा ही बोरा को सूहो के लिए फील हो रहा था। दोस्तों, क्या ये इनके प्यार की शुरुआत थी या इस कहानी में अभी कुछ और ही होने वाला है? क्या सूहो, मिन्हो और बोरा का ये लव ट्रायंगल उनकी दोस्ती को खत्म कर देगा? अभी तक बोरा ने यूना को इस सब के बारे में नहीं बताया था। आखिर आगे इस मूवी में क्या होने वाला है? अगर आपको भी इन सवालों का जवाब ढूंढना है तो इस मूवी के पार्ट 2 को जरूर देखना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं और भी जल्दी नए मूवी को एक्सप्लेन कर सकूं। तब तक के लिए बाय बाय।